सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया नपा चुनाव में जलजमाव की समस्या होगी प्रभावित। श्याम बाबू। जनपद बलिया में नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जोरों जोरों से लगे हुए हैं। प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लगातार जुटे हुए हैं। नगर उपाध्यक्ष श्याम बाबू रोन्यार ने बताया कि इस बार का चुनाव मूलभूत समस्याओं पर ही होने वाला है और जनता भी सब कुछ जानती है कि नगर में प्रभावी समस्या क्या है। रोन्यार जी ने बताया कि अगर जनता एक बार मौका देती है तो नगर के मूलभूत समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे में मंत्री दयाशंकर सिंह के आने से विकास का मार्ग और प्रशस्त हो गया है। जनता में विश्वास बना हुआ है कि रुका हुआ विकास जरूर प्रगति पर आएगा। सुनिए श्याम बाबू रोन्यार, भाजपा उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। सोनू शर्मा गुरुनगर, मंत्री भारतीय जनता पार्टी भी श्याम जी समर्थक। मेरा नाम श्याम बाबू रोनियार, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर का उपाध्यक्ष हूँ, नगर व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ और अपने समाज रोनियार वैश्य समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, अभी नगर पालिका नगर निगम पंचायत चुनाव के होने वाले हैं, एक दो महीने बाकी है और जनता का जिस तरह मूड, अगर नगर अभी वर्तमान के समय की बात है तो लोगों का रुझान आपकी तरफ जा रहा है, तो क्या इस पर कहेंगे? जी, मैं बलिया शहर का बीच में निवासी हूँ, लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, एक खुद व्यवसायी समाज से भी आता हूँ और मैं यहाँ रह के जो प्राथमिक परेशानियाँ हैं नगर पालिका में, जो छोटे मोटे जो मुद्दे हैं वो मैं खुद भी झेला हूँ और मैं अपने नगर की जनता को भी देख रहा हूँ कि वो छोटे छोटे मुद्दों में भी उनको परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। तो मेरे मन में विचार आया, लोगों से हमने सर्वे किया, लोगों ने कहा कि आप भी नगर पालिका का जो है चुनाव में लड़िए, हम लोग आज आपके साथ रहेंगे और इसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। क्या मोटो रहेगा आपका चुनाव? मोटो रहेगा मेरा यह है कि नगर पालिका में पहले से काम तो हुआ ही है और मैं अपने बलबूते पर अपने प्रयासों से मैं कोशिश करूंगा कि बलिया की नगर पालिका में जो मूलभूत परेशानियाँ हैं, सुविधाएँ, वो अपने बलबूते पर मेहनत के बदौलत मैं जनता के बीच में उपलब्ध कराऊंगा। छोटे छोटे मुद्दे जैसे सीवर का जो है जल जमाव की स्थिति है, लाइट की परेशानियाँ कहीं कहीं दिखाई दे रही है, ये सब छोटे छोटे नीचे से काम करते हुए मैं प्रयास करूँगा कि जनता को एक अच्छा सुविधा दिलवाने का प्रयास करूँगा। ये माना जाए तो आप नगर पालिका को, शहर को आप स्वच्छ सुंदर आदर्श बनाएंगे? जी जी, मेरे मन में है कि मैं जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं मेहनत के अपने मेहनत के बदौलत और आपके विचारों से अवगत करते हुए मैं हर वार्ड में प्रयास करूँगा। घूम भी रहा हूँ मैं कि सबसे पूछ के और मैं बलिया नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका में बदलने का प्रयास करूँगा और यही मेरा ध्यान इसी पर आकर्षित रहेगा। नेताजी, तमाम मुद्दे चुनाव के पहले किए जाते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखता है, केवल वादे तक सीमित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो इस समय जहाँ तक विधायकी का बात है नगर का, तो हमारे नेताजी जो दयाशंकर भैया हैं उनके आने से एक अजीब एक अच्छा माहौल बना है और एक अच्छा उम्मीद लग रहा है कि बलिया में बहुत कुछ अच्छा होगा।